और फ्रेश एंड फास्ट में अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। नीट धांधली मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। प्रीतम कुमार को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं प्रीतम, जिन्हें यह नोटिस भेजा गया है। ईओयू ने प्रीतम को पूछताछ के लिए बुलाया है और सवाल पूछा जाएगा कि आखिर सिकंदर नाम के व्यक्ति के लिए उन्होंने NHAI का गेस्ट हाउस क्यों बुक करवाया था। सिकंदर ये वो किरदार है जिसने पेपर लीक की बात कही थी और ना सिर्फ अपने संबंधियों से ये बात कही थी बल्कि दूसरे लोगों को भी पेपर बेचा था। 40 लाख रुपए में डील हुई थी और अब जब जांच के तार अलग अलग किरदारों तक पहुंच रहे हैं तो ये सबसे अहम पड़ाव है जिसमें तेजस्वी यादव के निजी सचिव को नोटिस भेजा गया है और प्रीतम कुमार क्या जवाब देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो सिकंदर को कैसे जानते थे, सिकंदर से क्या संबंध था उनका, क्या सिकंदर किसी तरह की कोई घपलेबाजी करते हैं, इस बारे में प्रीतम को जानकारी थी, ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर जवाब लेने की कोशिश जांच टीम करेगी। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, नीट पेपर लीक मामले में अब तक की सारी कार्रवाइयों में किरदारों का सामने आना जारी है और इन सब के बीच में अब जब प्रीतम कुमार से पूछताछ होगी तो ये पूछताछ कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद फिर जांच किस दिशा में जा सकती है। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार चूंकि एक तरफ तो नीट की जांच चल रही है जो छात्र का मामला है वो तो अलग है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज है क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उठाया था और जो गेस्ट हाउस बुकिंग को लेकर प्रीतम के द्वारा जो तेजस्वी यादव के PS है उनके द्वारा जो कॉल किया गया है इसकी जांच होगी क्योंकि सबसे बड़ा संदेह उसी गेस्ट हाउस में जो रुके थे उन्हीं के ऊपर है क्योंकि सिकंदर यादव जो कि मुख्य अभियुक्त में से एक है उन्होंने वहां पर बुकिंग कराई थी अपने नाम से और वहां पर अपने भतीजे को ठहराया था। तो ये तमाम ऐसी कड़ी है जो कि इस पूछताछ में खुलेगी। प्रीतम कुमार ने अगर फोन किया तो किस आधार पर उन्होंने फोन किया, सबसे बड़ा सवाल साकेत यही है कि संबंध क्या था, सिकंदर से प्रीतम का संबंध क्या था और इस पर मेरे ख्याल से अगर स्पष्टीकरण हो तो शायद और किरदार भी सामने आ सकते हैं। साकेत जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ही बड़ी खबर है। पेपर लीक कांड का आरोपी सिंटू कुमार गिरफ्तार हो चुका है। झारखंड के देवघर से ईओयू ने गिरफ्तारी की है। आरोपी सिंटू की तलाश में ईओयू की टीम लगातार जुटी हुई थी और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। सिंटू से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी साकेत लगातार जुड़े हुए हैं। साकेत, लगातार जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि नए नए किरदार सामने आते जा रहे हैं, अगर आप सिंटू किरदार के बारे में बताएं क्योंकि इसे लंबे समय से जांच टीम ढूंढ रही थी। देखिए, बिल्कुल सिंटू की गिरफ्तारी हुई है और सिंटू और चिंटू दो ऐसे शख्स थे जो कि इस पेपर लीक में अहम किरदार के तौर पर उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। अमित आनंद और नीतीश कुमार के बाद दो और ये जो शख्स थे वो सिंटू और चिंटू का नाम सामने आया था और ईओयू इन दोनों शख्स को ढूंढ रही थी कि आखिर ये कहाँ फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है जी। चलिए, हो सकता है साकेत का संपर्क टूट गया हो, लेकिन वो बता रहे हैं कि लंबे समय से ढूंढ रही थी जांच टीम ने और आखिरकार इनकी गिरफ्तारी हो गई और ऐसे में और सारे खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। इधर पेपर लीक का मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दरअसल इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां CSIR UGC NET परीक्षा June 2024 को स्थगित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह परीक्षा भी स्थगित कर दी है। 25 से 27 जून के बीच परीक्षा होनी थी, लॉजिस्टिक कारणों के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई। मैं हिंदी में आपको बताऊं तो संसाधनों की कमी के चलते यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। अब NTA की ओर से कहा गया है कि इस परीक्षा की नई तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दी जाएगी। NTA ने नए अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है। देखिए, ये परीक्षाएं परीक्षार्थियों के जीवन को संवार देती हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इससे पहले भी कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं, नीट को लेकर सवाल लगातार जारी है। इससे पहले नेट की परीक्षा को रद्द किया गया था और अब CSIR UGC नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। अब इसे आगे आयोजित करवाया जाएगा। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, कुछ यही हो रहा है शिक्षा मंत्रालय के साथ। बुधवार को ही शिक्षा मंत्री ने परीक्षा तंत्र पर भरोसा रखने की बात कही थी और अब एक और परीक्षा स्थगित हो गई है। जी हाँ, NTA ने अब संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। NTA की ओर से बताया गया है कि लॉजिस्टिक कारणों से परीक्षा स्थगित की जा रही है। इससे पहले 19 जून को UGC नेट एग्जाम रद्द हो चुका है।
इस परीक्षा की नई तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। एनटीए ने नए अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है और ये ठीक ऐसे वक्त पर हुआ है जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को नीट के परीक्षा दे चुके छात्रों से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने इस गंभीर मामले में मजहब की राजनीति ठूंस दी। नीट के एग्जाम में 12 लाख हिंदू छात्र होने की बात कही और हिंदूवादी संगठन से सवाल पूछा। मोहन भागवत जी से ना पूछे कि आपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से क्या हम मांग करेंगे कि कम से कम आप कुछ कहिए, बजरंग दल के नेता जो हमेशा हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं, क्या उनसे आप नहीं पूछेंगे कि भाई आप कुछ तो कहिए। दिग्विजय सिंह को ऐसे मुद्दे को भटकाने से बचना चाहिए, वो भी तब जब कांग्रेसी नेता छात्रों की लड़ाई के नाम पर सड़क पर उतरे हैं और इस मुद्दे को संसद तक ले जाने का भरोसा दिला रहे हैं।